प्यारे छात्रों नमस्ते। आज हम दसवीं दर्जे के तीसरी यूनिट का पहला पाठ जिसका नाम है अकाल और उसके बाद जो कविता है उस पर हम चर्चा करेंगे। राइट, प्रस्तुत कविता हिंदी के जाने माने प्रगतिशील कवि नागार्जुन की एक रचना है। कविता के बारे में चर्चा करने से पहले हम थोड़ा बहुत कवि परिचय भी ले लेंगे। जरा देखिएगा, कवि का नाम है नागार्जुन। जरा नागार्जुन की विशेषताएं जाने और उसके बाद हम कविता पर जाएंगे। देखिएगा, अकाल और उसके बाद कविता है, नागार्जुन की रचना है और उसकी विशेषताएं जरा देखिएगा। हिंदी के प्रगतिशील साहित्यकार, प्रगतिशील यानी जो समाज में कोई बदलाव चाहते हैं, ऐसे बदलाव चाहने वाले कवियों को, साहित्यकारों को हम प्रगतिशील साहित्यकार कहते हैं। राइट, रूढ़िगत विचारों को तोड़ने वाले ऐसे साहित्यकारों को हम प्रगतिशील साहित्यकार कहते हैं। रेवोल्यूशनरी पॉइंट्स को हम प्रगतिशील कहते हैं। और देखिएगा उसकी खासियत, लोक जीवन, प्रकृति और समकालीन राजनीति आपकी रचनाओं के मुख्य विषय रहे। वो ग्रामीण जीवन का चितेरा थे। राइट, आम जनता, उनकी पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, मुश्किलें, दर्द, गरीबी आदि को लेकर वो कविताएं या साहित्य रचनाएं किया करते थे। और उसके साथ ही प्रकृति और समकालीन राजनीति, प्रकृति के बारे में और समकालीन राजनीति यानी रेलेवेंट पॉलिटिक्स के बारे में भी वो कविताएं लिखा करते। राइट, सो समकालीन यानी रेलेवेंट। सो हर एक कवि, हर एक साहित्यकार समाज से इतने जुड़ी रहते हैं कि समाज में जो होता है वो एकदम उसका विषय बन जाते हैं। समाज का दर्पण है साहित्य। और ऐसे ही एक साहित्यकार है नागार्जुन। राइट, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रचनाकार। वो केवल कवि नहीं रहे, कविताएं ही नहीं लिखा करते, बल्कि उसके साथ ही कई सारे अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं। देखिएगा, रघुनाथ की छाछी, बाबा बडेश्वरनाथ, दुखमोचन, बलचंद्र, वरुण के बेटे आदि उनके उपन्यास है, चर्चित उपन्यास है। और देखिएगा उसके साथ ही युगधारा, प्यासी पधराई आंखें, सतरंजी पंखों वाली, तालाब की मछलियां आदि उनकी काव्य कृतियां हैं। और अभी हम कविता की विशेषताएं जाने, अकाल और उसके बाद। सो हर एक कवि समाज में जो होता है उसके बारे में लिखा करते हैं। साहित्यकार चुपकर नहीं बैठते थे। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था, हिमाद्रि तुंग श्रृंग का प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। राइट, आजादी तुम्हें पुकारती है, जाओ शामिल हो जाओ आजादी की लड़ाई में। राइट, ऐसे वो आह्वान करते थे युवा पीढ़ियों से कि शामिल हो जाओ आजादी की लड़ाई में। राइट, साहित्यकार चुप कर नहीं बैठते थे। मलयालम में देखिएगा अंशी नारायण जी की कविता,
वरिग वरिग सहजरे सहन समर समयमाई करलुरच्चु कैगल तुगुर्तु काल्नाटक्यु पोगनाम ब्रिटने विरट्टुविन चट्टमुक्के माट्टुविन दुष्टशक्ति विष्टपत्ति लुट्टु में शमिच्चु और उसी तरह आजादी की लड़ाई में युवा पीढ़ियों को शामिल करने के लिए साहित्यकार एकदम प्रयास कर रहे थे। समाज का दर्पण है साहित्य और जो साहित्य से संबंध रखे बिना समाज के बदलाव संभव नहीं है। देखिएगा देन कविता की विशेषताएं, लोक जीवन से जुड़ी हुई कविता, नागार्जुन की हर एक कविता आम जनता के जीवन से जुड़ी हुई है। परिचित जीवन एवं निर्जीव बिंबों और प्रतीकों को लेकर रची हुई कविता और अकाल और उसके बाद कविता के बारे में कहूं तो देखिएगा परिचित जीवन एवं निर्जीव बिंबों और प्रतीकों के सहारे लिखी हुई कविता है। राइट, ही हैज टेकन सम ऑफ द सिंबल्स एंड मेटाफर्स टू राइट द पोएम। राइट, लेट अस सी देन सामाजिक यथार्थ की अभिव्यंजना दिखाने वाली कविता। सामाजिक यथार्थ की अभिव्यंजना, तो समाज में जो रियली होता है उसका झलक हम देख सकते हैं कविता में। राइट, यूं प्रेम पर या ड्रीम पर कविताएं लिखा नहीं करते थे। देखिएगा अभी हम अकाल और उसके बाद कविता के शीर्षक के बारे में जरा चर्चा करेंगे और सीधे हम कविता पर जाएंगे। ये अकाल क्या होता है? अकाल यानी जो काल के अनुरूप नहीं हो, जो समय के अनुसार नहीं हो, जिसे हम अकाल कहते हैं। जो काल के अनुरूप नहीं हो, ऐसे कहने पर चाहे तो बाढ़ हो सकता है, राइट, और चाहे तो ड्रॉट भी हो सकता है, सूखा भी हो सकता है, और आमतौर पर अकाल हम सूखे को लेकर कहते हैं, यहां ड्रॉट को लेकर अकाल कहते हैं। राइट, अकाल और उसके बाद, राइट, अकाल यानी ड्रॉट और ड्रॉट सीजन के बाद। राइट, 1951 और 1950 के आसपास बंगाल और बिहार में अकाल पड़े थे, ड्रॉट हुए थे वहां पर। नागार्जुन अपने आप गरीबी और अभाव का जीवन जिए थे, अकाल का शिकार बने थे। उन्होंने उस अकाल का चित्रण कम से कम शब्दों में लिखे हैं। कोई कवि की महनीयता उसके कविता के नंबर से आंखें नहीं जाते, किसी कवि की महनीयता उसके कविता की गुण के हिसाब से देखा जाता है। तो देखिएगा सिर्फ 8 पंक्तियों की, चरणों की कविता है अकाल और उसके बाद। इस 8 पंक्ति को लेकर एक समाज ने एक खास समय पर जो झेला था वो सब वो लिख डाले। विद इन 8 लाइन्स ही रॉट ऑल अबाउट द इश्यूज द प्रॉब्लम्स पीपल हैज फेस्ड वंस। उसे लिखने के लिए उसे सिर्फ 8 चरण काफी था। देखते हैं, राइट, अकाल और उसके बाद, ड्रॉट और ड्रॉट के बाद। राइट, देखिएगा सो कविता पढ़ते समय ये याद रखना चाहिए कि कविता कुछ जीवंत बिंबों और प्रतीकों के सहारे लिखी हुई कविता है और अभावग्रस्त जीवन का चित्रण है इसमें। अभावग्रस्त, स्कर्सिटी, गरीबी और अभावग्रस्त जीवन का चित्रण प्रस्तुत कविता में हुई है। उसके साथ ही प्रकृति का चित्रण भी यहां पर है। राइट, प्रकृति की रक्षा करना हमारा धर्म है, वह भी कविता जरिए
बताए जाते हैं। राइट, देखते हैं कविता। अकाल और उसके बाद नागार्जुन। राइट, ड्रॉट एंड आफ्टर ड्रॉट। देखिएगा, सिर्फ 8 चरण की कविता है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक, फॉर मेनी 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 डेज। यानी अकाल एक दिन के लिए, दो दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए नहीं रहे, लेकिन कई दिनों के लिए रहे। राइट, ये कई से तात्पर्य है वो ड्रॉट का अंतराल, सूखे का अंतराल को लेकर यहां पर कई दिन बताए गए हैं। कई दिनों से चूल्हा रोया, राइट, ओवन वास क्राइंग। राइट, अंगीठी नहीं जलाते थे कोई, राइट, वो रो रहा था, चूल्हा रो रहा था। यानी चूल्हे में रोने का आरोप कर दिया है कवि ने। राइट, उसमें जीवन का, निर्जीव वस्तु में जीवन का आरोप किया है कवि ने। राइट, कई दिनों तक चूल्हा रोया, यानी कई दिन तक घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं थे, इसलिए चूल्हा रो रहा था। राइट, चूल्हे का रोने से तात्पर्य है निर्जीव अवस्था, उसके जीवंत अवस्था है जलना। राइट, यहां पर वो कोई चूल्हा नहीं जलाने के कारण वो रो रहे थे, क्योंकि खाना पकाने के लिए किसी के पास दाने नहीं थे। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, एंड द ग्राइंडिंग स्टोन वॉज डिसअपॉइंट। राइट, चक्की रही उदास। चक्की ग्राइंडिंग स्टोन को कहते हैं, आटा पीसने के लिए, ग्राइंड करने के लिए जो पत्थर का इस्तेमाल करते हैं उसे हम चक्की कहते हैं। राइट, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, एंड द ग्राइंडिंग स्टोन वॉज डिसअपॉइंटमेंट। ग्राइंडिंग स्टोन भी निर्जीव वस्तु है, उस पर जीवन का आरोप लगाया गया है, जैसे वो डिसअपॉइंटमेंट में था। राइट, क्योंकि कोई उसे ग्राइंड करने के लिए कोई दाना लेकर चक्की के पास नहीं जाते थे। राइट, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, एंड इन एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग समथिंग। कई दिनों तक, फॉर मेनी डेज, इन एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग समथिंग, कानी कुतिया द वांडरिंग स्ट्रीट डॉग देन सोई उसके पास। ये चूल्हे या चक्की के पास कानी कुतिया, स्ट्रीट डॉग वॉज लेइंग नियर टू दिस ओवन एंड ग्राइंडिंग स्टोन, इन एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग समथिंग। यद कानी कुतिया था। राइट, कानी कुतिया को भी, वांडरिंग स्ट्रीट डॉग को भी खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलते थे। राइट, यहां पर केवल, इसे कवि बताना चाहता है कि केवल मनुष्य ही भूखा नहीं रहते थे, जानवर भी भूखे थे, उनके लिए भी, वो भी खास तौर पर कानी कुतिया, वांडरिंग स्ट्रीट डॉग को भी खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलते थे। इवन वांडरिंग स्ट्रीट डॉग्स वर फीलिंग हंग्री। राइट, और कुछ मिलने की उम्मीद में या तो वो चूल्हे के पास सो रहे थे, नहीं तो चक्की के पास सो रहे थे, इन एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग फूड। द डॉग वॉज लेइंग नियर टू द चूल्हा और चक्की। वह चाहता है कि कोई किसी भी वक्त कुछ पकाने के लिए उसके पास आ जाए तो जरूर उसे कुछ खाने को मिलेगा। इस उम्मीद में वो सो गई वहां पर। राइट, और देखिएगा, कई दिनों तक लगी भित्त पर चिपकलियों की गश्त, एंड फॉर मेनी मेनी डेज। कई दिनों तक लगी भित्त पर चिपकलियों की गश्त, यानी चिपकलियां, लिजर्ड्स। लिजर्ड्स वर मेकिंग इश्यूज बीइंग ऑन द वॉल। राइट, वहां पर वह आवाज निकला करते। राइट, लिजर्ड्स को भी खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलते थे। राइट, ह्यूमन, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, बड़े बड़े जानवर ही नहीं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी लिए भी कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलते थे। राइट, चिपकली तक को खाने के लिए कुछ नहीं मिलते थे। ऐसी हालत थी ड्रॉट के समय पर, अकाल के समय पर। राइट, और कई दिनों तक लगी भित्त पर चिपकलियों की गश्त। राइट, गश्त यानी
creating issues, problem, right? Nuisance. They were creating nuisance being on the wall, right? Kai dino tak chuhe ke bhi halat rahi shikast. And even for many days, kai dino tak chuhe ke bhi halat rahi shikast. The condition of rats were pathetic, right? Ek rat ka bhi halat pathetic tha. रैट को खाने के लिए, एक चूहे को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलते, ऐसे हालत होगा ही नहीं, शायद ही संसार में ऐसा हालत होता है. चूहा कोई ड्राई फ्रूट्स मिलने पर या कोई सूखा दाने मिलने पर, कुछ पत्ते मिलने पर वो खा लिया करते, लेकिन चूहे को भी खाने के लिए कुछ भी नहीं थे, ऐसे हालत. और इसलिए कई दिनों तक चूहे के भी हालत रही शिकस्त. एंड द सिचुएशन वाज दैट मच वर्स दैट इवन रैट्स वर नॉट गेटिंग एनीथिंग टू ईट. अभी कुछ बाकी कहने की जरूरत नहीं है. हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं हालत कैसी होगी. सो प्रस्तुत चार चरण द्वारा अभाव की स्थिति उन्होंने यहां पर दर्शाई है. आगे कहने की जरूरत ही नहीं रहा. अकाल का समय बीत चुके, धीरे धीरे लोगों को खाने के लिए कुछ मिलने लगे, धीरे धीरे उन्हें अनाज मिलने लगे, वो अंगीठी या चूल्हा जलाने लगे और चक्की चलाने लगे, राइट? ऐसे हालत, राइट? देखिएगा, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद. एंड दाने आए स्लोली दे पीपल स्टार्ट गेटिंग ग्रेन्स, फूड आइटम्स. दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, आफ्टर लॉन्ग डेज पीपल स्टार्ट गेटिंग समथिंग टू ईट, राइट? धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, पीपल स्टार्ट फायरिंग समथिंग, उसके अंगीठी जलाने लगे, चूल्हा जलाने लगे, खाना पकाने लगे अपने आंगन से होकर, राइट? तब दुआ स्मोक ऊपर उठने लगे, स्मोक स्टार्ट कमिंग फ्रॉम देयर कोर्टयार्ड एज दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग समथिंग. दुआ उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें, घर में रहने वाले सारे जीव जंतुओं की आंखें चमकने लगे, राइट? चमक उठी घर भर की आंखें, किसी एक की आंख नहीं है, घर में रहने वाले सारे जीव जंतुओं की आंखें चमकने लगे, राइट? यानी मनुष्य ही नहीं, घर में रहने वाले सभी जानवरों के आंख चमकने लगे, क्योंकि उन्हें पता चला कि अभी कुछ खाने को मिलने वाला है, राइट? खाने को कुछ मिलने वाला है ये जानने पर, इस उम्मीद में उसकी आंखें चमकने लगे, राइट? चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, आफ्टर लॉन्ग डेज, कई दिनों के बाद थोड़ा बहुत खुशियां हंसियां आने लगे, चहल पहल होने लगे घर पे, राइट? देन कौवे ने खुजलाई पंखे कई दिनों के बाद, इवन द क्रो स्टार्ट मेकिंग इट्स विंग्स टू टेक द फूड, राइट? घर वाले खाना खाने के बाद कुछ फेंक दिया जाए तो उसे जल्दी से लेने के लिए कौवा गॉट रेडी टू गेट द फूड, राइट? उसे जल्दी से वो खाना लेने के लिए, घर वाले खाना खाने के पश्चात बाद जब कुछ फेंक दिया जाए तो, कुछ वेस्ट बाहर फेंक दिया जाए तो उसे लेने के लिए, टू टेक इट फास्ट, क्रो वाज गेटिंग रेडी, राइट? ओके, तो घर में धीरे धीरे वो अनाज आने लगे और अकाल बीतने लगे, राइट? अकाल के बाद घर में खाना आने लगे. उसी तरह सिर्फ आठ चरण द्वारा कवि ने, पूरे समाज ने जो झेला है उसी को दर्शाया है, राइट? यहां पर ही कवि की महनीयता है, राइट? ओके, और अभी देखिएगा, यहां पर कुछ निर्जीव और जीवंत प्रतीकों को लेकर कवि ने
काव्य रचना की है, राइट। यहां देखिए चूल्हा, छक्की आदि निर्जीव प्रतीक है, सिंपल्स है, राइट। और उसी के साथ कानी कुतिया, छिपकली, चूहा, कौवा आदि जीवंत प्रतीक है। कुछ निर्जीव और जीवंत प्रतीकों को लेकर कवि ने काव्य रचना की है, राइट। कई दिनों तक शब्द इसी तरह बार बार दोहराए हैं कविता में, ये दर्शाने के लिए कि वो अभावग्रस्त जीवन का अंतराल, द ड्यूरेशन ऑफ स्कर्सिटी को दिखाने के लिए यहां पर वही शब्द दोहराया गया है, राइट। ओके, और बताने योग्य एक दूसरी बात है कि चमक उठी घर भर की आंखें, घर भर की आंखों से तात्पर्य है घर में रहने वाले सारे जीव जंतु, केवल मनुष्य ही नहीं, वहां पर रहने वाले कौवा, कुतिया और कोई जानवर है तो लिजार्ड्स, चूहा, सबकी आंख चमकने लगी खाना मिलने की प्रतीक्षा में, राइट। और इसी तरह आठ चरण द्वारा संपूर्ण समाज की हालत को उन्होंने दर्शाया है, बाकी हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।